आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस पर एक नजर। मीटर गेज पर यातायात बंद होने पर नीमच से इंदौर के लिए चलेगी डेमो ट्रेन। रतलाम मंडल को 3 डेमो डीजल इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टीपल यूनिट देने का निर्णय लिया है। शनिवार को इसकी सूचना मंडल के अधिकारियों के पास पहुंच गई। इनमें से एक ट्रेन नीमच से इंदौर और दूसरी ट्रेन रतलाम से इंदौर के बीच 1 जनवरी से मीटर गेज लाइन बंद होने के बाद चलेगी। शनिवार को रेलवे अधिकारियों के पास CM की ये सूचना आई कि डेमो के रैंक जिसमें 6 इंजन और 24 डिब्बे रहेंगे सितंबर में पहुंच सकते हैं। ये 1 जनवरी से इंदौर के लिए चलाई जाएगी। इसके लिए रखरखाव के लिए शॉर्ट की व्यवस्था के निर्देश भी पत्र में है। पत्र CM की ओर से जारी हुआ है। जिला चिकित्सालय में कार्य कर रहे गार्ड्स को 2 माह से सैलरी नहीं दी गई। उन्होंने अधिकारियों को लेटर भी दिया गया लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं। जिला चिकित्सालय में कार्य कर रहे गार्ड्स को पिछले 2 माह से वेतन नहीं दिया गया। जहां गार्ड की संख्या 16 होनी चाहिए वहां बस कार्य करने हेतु 12 गार्ड्स मौजूद है। जिला चिकित्सालय में हमारे संवाददाता ने गार्ड्स के लीडर से चर्चा करी। वह चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल वह मांगने पर हॉस्पिटल में कहा जाता है कि हमारा मन होगा तब सैलरी दी जाएगी और 2 माह की सैलरी किसी भी गार्ड्स को नहीं देने के कारण सारा खर्चा उनके लीडर को उठाना पड़ रहा है। उन्हें अधिकारियों को 2-3 बार लेटर भी दिए गए लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है और उनका टाइम भी बढ़ा दिया गया है जिससे वह काफी परेशान है। गेट पास भी 10 नंबर से मिलते हैं और बोला जाता है कि तुम ये तुम्हारे हाथ में है, ये है, तो हमारे गार्ड क्या कर सकते हैं, हमारे गार्ड जो पकड़ेंगे तभी तो वो करेंगे। गेट पास वाले दूसरे हैं हमारे, मतलब हमारे अंदर में नहीं मानने का, हमारा काम है सिर्फ पास चेकिंग करना किसका क्या पास लेकर आते हैं। आज पूरे भारत में हरदाली तीज का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सभी महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए मंदिर में जाके पूजा की। नगर में आज हरदाली तीज का पर्व मनाया गया। आज का व्रत सभी महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है। वह लड़कियां अच्छे वर की कामना करते हुए ये व्रत रखती है। इस व्रत में शिव और पार्वती की 5 बार पूजा की जाती है। कहा जाता है कि पार्वती जी ने यह व्रत शिव जी के लिए रखा था, तब से सभी महिलाएं व लड़कियां यह व्रत करती है। पूरा दिन भूखे रहकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। वह पूरी रात जागकर भगवान का ध्यान देती है। शहर में चल रही है गणेश उत्सव की धूम। बाजार में अनेक प्रकार की गणेश जी की मूर्तियां देखने को मिली। वह शहर में झांकियों के लिए पांडाल भी सजाए गए। वह बाजार में गणेश जी की मूर्तियां लेने के लिए बाजार में काफी भीड़ देखी गई। बाजार में रौनक थी। वही 14 दिवसीय गणेश जी की स्थापना के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा गया। काम की अधिकता और उच्च अधिकारियों की उदासीनता का कारण बताते हुए जिला चिकित्सालय के 2 डॉक्टरों ने दिया इस्तीफा। आश्चर्य की बात यह है कि अस्पताल का मेडिकल वार्ड मरीजों से भरा है लेकिन यहां इलाज करने के लिए कोई भी मेडिकल विशेषज्ञ मौजूद नहीं। डॉक्टर की कमी से जूझ रही स्वास्थ्य सेवा को सोमवार की दोपहर बड़ा झटका लगा। 14 वर्षों से जिला अस्पताल में सेवा दे रहे डॉक्टर VS मिश्रा और 2 सालों से काम कर रहे डॉक्टर SK कलवाड़िया ने सिविल सर्जन डॉक्टर SS वर्मा को इस्तीफा दे दिया। आधिकारिक तौर पर उन्होंने काम की अधिकता और उच्च अधिकारियों को उदासीन रवैये का कारण बताया। लंबे समय से सिविल सर्जन और डॉक्टरों के बीच चल रही खींचातान को इस्तीफे का बड़ा इफेक्ट माना जा रहा है। 4 मेडिकल विशेषज्ञों के पद में से
दो डॉक्टर थे, वह शेष पद लंबे समय से खाली है। अचानक हुए इस्तीफे से जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को आघात पहुंच सकता है। कारण स्पष्ट है कि अब जिला अस्पताल में कोई मेडिकल विशेषज्ञ नहीं है। इसके अलावा अन्य डॉक्टर के पद लंबे समय से खाली है। स्थिति यह है कि अस्पताल का मेडिकल वार्ड मरीजों से भरा है। देखते ही जिला चिकित्सालय अब क्या करता है। आज के अंक में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए पूरी 7 न्यूज टीम को इजाजत। नमस्कार। Oh.